नमस्कार बच्चों, मैं नीलू महिकवार। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ भारती के कक्षा 8 पाठ 15 जिसका शीर्षक है मनुज को खोज निकालो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मनुज को खोज निकालो, जिसे कि कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने सृजन किया है। इसका आप बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। और आज मनुष्य ने, बच्चों आप सभी देख रहे होंगे कि आज मनुष्य मनुष्य के बीच में अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य जो है बहुत सारे वर्गों में बढ़ चुका है। तो इस विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठे हों। तो आइए बच्चों, देखते हैं कविता मनुज को खोज निकालो। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीति गत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, ताकि हमको इस कविता का अर्थ समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, हम कुछ अपरिचित शब्द देखते हैं जो कि आपको किसी भी कविता का अर्थ को समझने में आपकी मदद करेगा। तो भेदहर, भेदहर का अर्थ है अंतर को खत्म करना। इसी प्रकार से समत्व, समत्व का अर्थ है समता। विविध, विविध अर्थात अनेक। यवनिका, यवनिका नाटक का पर्दा। रीति, रीति का अर्थ है प्रकार, तरह। और अगला है मूल, मूल अर्थात जड़, असल। आइए बच्चों, अब हम इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से सभी मनुष्यों में एकता स्थापित करने की बात कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, आज मनुष्य जो है अलग अलग जाति, वर्ण, संस्कृति और विभिन्न वर्गों में, समाज में क्या हो गया है, उलझ कर रह गया है। इससे जो क्या हो रहा है, समाज को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि आज उस सच्चे मनुष्य को, जिसके अंदर मानवता है, जो मनुष्य सच्चा है, ऐसे मनुष्य को हमको क्या करना है, ढूंढ कर बाहर निकालना है। और ऐसे मूल व्यक्ति को फिर से हमको क्या करना है, बाहर लाना है, ताकि देश में जो है, राष्ट्र में एकता बनी रहे। कवि आगे कह रहे हैं कि इस देश में, राष्ट्र में जो है अनेक विविधताएं हैं, लोगों में भेदभाव भरा हुआ है, उनके जो विचार है वो संकुचित हो चुके हैं। तो इन सभी में हमको क्या करना है, सभी धर्मों में क्या करना है, हमको एकता का भाव भरना है, समत्व हमको उनके अंदर स्थापित करना है। बच्चों आप सभी देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो देश है, राष्ट्र में जो है पुरानी परंपराएं हैं वो क्या है, अभी तक बनी हुई है। लोग अंधविश्वास में क्या है, लोगों की आंखों पर अंधविश्वास का पर्दा जो है लगा हुआ है, उसे हमको क्या करना है, अब उस अंधविश्वास के पर्दा को क्या करना है, उठाना है, उनके आंखों से उसको साफ करना है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रूढ़िगत विचार है उसको आज क्या करना है, हम सबको उसको हर लेना है, दूर कर लेना है। उस अंध यवनिका को आज क्या कर लेना है, हमको उठा लेना है, उस नाटक के पर्दे को हमको उठाना है। इस प्रकार से धर्म और नीतियों के बीच में जो विविधताएं भर गई है, उसको भी हमको क्या करना है, उसके अंदर हमको समत्व भरना है, एकता के सूत्र में हमको पिरोना है। और जो भी अंधविश्वास जो लोगों पर छाया हुआ है, उसे भी हमको दूर करना है। और इस तरह से हमें ऐसे मानव की, मनुष्य की खोज करना है जो कि मानवता से परिपूर्ण हो, मानवता से संपन्न हो। तो बच्चों, कवि ने इस प्रकार से इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमको क्या बताया है कि सामाजिक भेदों को मिटाकर हमको क्या करना है, एकता के सूत्र में सभी को बांधना है। आइए बच्चों, अगले कविता की पंक्तियों की एक तरफ चलते हैं। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को, केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। चलिए बच्चों, भावार्थ जानने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अखिल, अखिल का अर्थ है संपूर्ण। मनुज, मनुज किसे कहेंगे हम, मनुष्य। अवनी, धरती।
पृथ्वी और रिक्त किसे कहेंगे? खाली। आइए बच्चों अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों कि हे मनुष्य, हमारा जो राष्ट्र है, देश है, वह अलग अलग भाषा और भूषा में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, उसके अलग अलग परिधान हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई तमिल है, कोई कन्नड़ है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, और उन सभी की जो वेशभूषाएं हैं वो क्या है? अलग अलग है। उनकी जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग है। तो मानव जो है इन सबसे क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, इन सबसे ऊपर है। मनुष्य जो आज वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों में जाति, धर्म, वर्ण, इसमें जो बटा हुआ है, तो हमको उन सबको क्या करना है? दूर करके उनको सबको हमको एकता में बांधना है, क्योंकि मानव इन सभी से क्या है? ऊपर है। आगे कवि कह रहे हैं कि अखिल अवनी में रिक्त मनुज को, कि इस सृष्टि में, इस धरती में क्या है, जो मनुष्य संकीर्णताओं से दूर हो चुका है ना, उनके अंदर की जो मानसिक विचारधाराएं हैं, जो संकीर्ण विचारधाराएं थे, वो दूर हो चुके हैं। ऐसे मनुष्य को हमको क्या करना है? मनुष्य जानकर हमको क्या कर लेना है? उन सभी को हमें अपना लेना है, गले लगा लेना है, क्योंकि ये सभी क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमें क्या करना है? आज हमें ऐसे मनुष्य को खोज निकालना है जिसके अंदर मनुष्य के लिए कोई भी भेदभाव ना हो, जो राष्ट्र को ही क्या मानता हो? सर्वश्रेष्ठ मानता हो, क्योंकि मानवता ही क्या है? यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है। चलिए बच्चों अब अगली पंक्तियों की तरफ हम चलते हैं। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। तो चलिए बच्चों कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं। असंस्कृत, असंस्कृत अर्थात असभ्य, जो व्यक्ति असभ्य है, संस्कारहीन है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जो बिना सुधारा हुआ है। अगला है सभ्य, सभ्य अर्थात जो शिष्ट है ना, और दुर्जन, दुर्जन अर्थात जो कि बुरा व्यक्ति है, जो बुरा व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हमारा जो देश है, राष्ट्र है, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई राजा है, कोई यहाँ पर प्रजा है, कोई धनी है, और कोई क्या है? निर्धन है। कोई सभ्य है, कोई व्यक्ति असंस्कृत है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। तो हमको क्या करना है? चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश, काल, प्रकृति में क्या हुआ हो, जन्म लिया हो, हम सबको क्या करना है? उसको क्या करना है? अपनाना है। भाव मानवता से सबको भर, सबके अंदर हमको मानवता का भाव भरना है, और इस तरह से सभी मानव को एकता के सूत्र में बांधकर हमको क्या करना है? सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और सभी को अपनाना है। खंड मनुज को फिर से ढालो, जो मनुष्य अलग अलग खंड में बटा हुआ है ना, अलग अलग खंड में मतलब कोई जाति धर्म में है ना, कोई सभ्य है, कोई असभ्य है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग वर्गों में, अलग अलग खंडों में जो मनुष्य है वो आज बटा हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है? इन सभी को फिर से हमको ऊपर उठाना है, क्योंकि इन सभी में जो मानवता है वही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो कवि कह रहे हैं कि हम सबको क्या करना है? आप सब मिलकर आज ऐसे मनुष्य को खोज निकालना है जिसके अंदर क्या है? मानवता भरी हो, जो सच्चा मनुष्य हो। तो इस प्रकार से बच्चों कवि ने यहाँ पर जो है मानवता को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो बच्चों आपने इस कविता के माध्यम से देखा कि आज जो मनुष्य मनुष्य है वह अलग अलग वर्गों में, जाति धर्म संस्कृति और अलग अलग वर्णों में क्या है? बटा हुआ है। तो हम सबको मिलकर क्या करना है? ये जो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं उनको क्या करना है? एकता के सूत्र में पिरोना है, क्योंकि मानवता ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। कवि ने यही हमें बताया था। और हमें क्या करना है? ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर निकालना है जिनके अंदर मानवता जो है अंदर भरी हुई है, और जो संकुचित विचारधाराओं से बाहर आ चुके हैं। बच्चों राष्ट्र का जो निर्माण है उसमें हम सभी की क्या होती है? एक सहभागिता होती है। तो जब तक हम स्वयं में वह सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम राष्ट्र का निर्माण सच्चे अर्थों में नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हमें स्वयं को जगाना होगा, हमको स्वयं के अंदर वह मानवता को, मनुष्यता को क्या करना होगा, पैदा करना होगा, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के कुछ बोध प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है? तो कवि ने मानव समाज में फैली जाति, वर्ण, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा आदि विविधताओं का उल्लेख किया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मूल व्यक्ति से कवि का क्या आशय है? तो मूल व्यक्ति से कवि का आशय बच्चों यहाँ पर मानवता से है, जो संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकल चुका है, ऐसे व्यक्ति को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मूल व्यक्ति कहेंगे, जिसके अंदर मानवता जो है कूट कूट कर भरी हुई हो और जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठा हुआ हो। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है? तो मूल व्यक्ति को कवि ने जाति, वर्ण, धर्म और समाजगत विविधताओं से खोज निकालने को कहा है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जो समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों जैसे आप देख रहे होंगे कि निर्धन, तो निर्धन को हम और क्या क्या नाम से पुकारते हैं, क्या क्या कहते हैं, गरीब, दीनहीन, रंग, दरिद्र, इन नामों से भी हम उसको जानते हैं। अगला है राजा, अर्थात नरेश, नृप, नरपति। ठीक है, खोजना, तलाश करना, वस्तु को ढूंढना। भव, संसार, जग, जगत, लोक। मनुज, इंसान, मानव। राष्ट्र, राष्ट्र को हम और किस नाम से पुकारते हैं, देश, मुल्क। आप जो जब गाना सुनते हैं देशभक्ति, तो ऐसे शब्द आप वहाँ पर देखते होंगे कि उस गीत में जो है देश, मुल्क, ये शब्द वहाँ पर प्रयोग होते हैं। समाज, समूह, समुदाय। धनी, अमीर, दौलतमंद, धनवान। प्रजा, जनता, आवाम। अवनी, पृथ्वी, धरा, इला। अखिल, संपूर्ण, निखिल, समग्र। तो बच्चों ये थे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो आपकी इस कविता से लिया गया था। तो बच्चों जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं, कुछ कविता सृजन करते हैं स्वयं से, तो ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग आप वहाँ पर जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, किसी शब्द के विपरीत जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो रिक्त, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, भरा हुआ, रिक्त माने खाली। ठीक है, ऊपर, ऊपर का क्या होगा विलोम शब्द, नीचे। खंड, खंड का क्या होगा विलोम शब्द, जोड़। और अपनाना, अपनाना का विलोम शब्द क्या होगा, छोड़ना। और विविध का एक। आगे हम और देखते हैं विश्वास, विश्वास का विलोम क्या होगा, अविश्वास। निर्धन है ना, जो गरीब है, तो उसका विलोम क्या होगा, धनवान। रिक्त, जैसा कि आपने एक ऊपर और देखा था शब्द, वहां पर हमने एक लिया था उसका विलोम भरा, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण। ठीक है, अगला है भेद, तो भेद का विलोम शब्द होगा अभेद। इसी प्रकार से सज्जन, सज्जन का विलोम होगा दुर्जन, जो बुरा व्यवहार करता है। मानव, मानव का विलोम शब्द होगा दानव। और इसी प्रकार से राजा का रंग होगा। और इसी प्रकार से अंतिम है हमारा सभ्य का असभ्य। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस कविता से कुछ शब्द लिए हुए हैं जिसका हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब वाक्य हमें बनाना है। तो पहला शब्द है बच्चों यहाँ पर मानवता। तो चलिए बच्चों आप सभी बनाइए मानवता का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुत बढ़िया, तो चलिए मैंने भी यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, उसे भी देख लेते हैं। दीन दुखियों की सहायता करना मानवता है। तो इस प्रकार से हमारे दो वाक्य बन गए। इस तरह से सभी बच्चे अपने से एक एक वाक्य बनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे वाक्यों का भंडार हो जाएगा। अब अगला हम वाक्य है, शब्द है हमारा अखिल। चलिए बच्चों अखिल से वाक्य बनाइए, अखिल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, कोई एक वाक्य बनाइए। बहुत बढ़िया, तो चलिए यहाँ पर एक वाक्य मैंने बनाया है, उसे भी देख लेते हैं कि हमारा भारत देश अखिल विश्व में सबसे प्यारा देश है। अगला है रूढ़ी। चलिए बच्चों जो अब तक
वाक्य नहीं बताए हैं, ऐसे बच्चे इस शब्द का वाक्य बनाइए। चलो देव आप बनाओ इसका वाक्य। चलिए बहुत बढ़िया, देव ने बहुत बढ़िया वाक्य बनाया। चलिए देखते हैं, हमारे समाज में आज भी अनेक रूढ़ियाँ व्याप्त है। अगला शब्द है बच्चों सभ्य। चलो मनोज सभ्य शब्द से वाक्य बनाओ आप। बहुत बढ़िया बच्चों, इसको हम इस तरह से भी इस वाक्य को बना सकते हैं जैसा मनोज ने बताया था, सभ्य व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करते। तो देखा बच्चों इस तरह से हमने आपस में ही मिलकर बहुत सारे वाक्य हमने यहाँ पर बना लिए। चलिए बच्चों अब हमने इस कविता का भावार्थ भी देख लिया है, कुछ व्याकरण भी हमने देखे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कुछ शब्दों के हमने वाक्य में प्रयोग भी किए और बोध प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल भी किया। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक गृह कार्य दे रही हूँ आप सभी को, जो है कि देखिएगा हमारे समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं। तो स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको इसको लिखना है। तो बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना है और इसके लिए आप हल करने के लिए अपने कक्षा शिक्षक की मदद ले सकते हैं, आप अपने बड़ों या माता पिता की भी सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और हम अगली कक्षा में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।